नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। कश्मीर में तनाव बरकरार, मोबाइल इंटरनेट निलंबित। घाटी में मंगलवार से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 4 लोगों की मौत के बाद से तनाव बरकरार है। इसके चलते कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार दूसरे दिन कर्फ्यू जैसे हालात रहे और कुछ क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी निलंबित कर दी गयी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा शहर, करालगुंद, हंदवाड़ा, मागम और लांगेट इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। दिखावा है भाजपा कांग्रेस का दलित प्रेम, मायावती। बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर दलित प्रेम का दिखावा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों को उनका संवैधानिक हक न देने पर आमादा अन्य पार्टियों के खिलाफ बसपा को केंद्र और राज्य में एक राजनीतिक ताकत बनना होगा और वर्ष 2007 की तरह अगले साल उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। मायावती ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बसपा के गठन के बाद से कांग्रेस और भाजपा द्वारा अंबेडकर जयंती मनाने को नाटकबाजी करार दिया और वोट पाने का तरीका बताया। ओबामा ने विज्ञान में दक्ष भारतीय अमेरिकी बच्चों की तारीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विज्ञान में महारत हासिल रखने वाले दो भारतीय अमेरिकी बच्चों के अभिनव विचारों और लीक से हटकर सोचने की उनकी क्षमता पर जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक समुदाय की सेवा में मदद मिलेगी। कैलिफोर्निया की माया वर्मा और मैरीलैंड के अनिरुद्ध गणेशन ने विभिन्न विज्ञान प्रतियोगिताएं जीतकर 6वें व्हाइट हाउस विज्ञान मेले में स्थान बनाया। देश भर से आए छात्रों से बातचीत के बाद ओबामा ने कहा कि आप सभी हम लोगों को दिखला रहे हैं कि अंतर पैदा करने की शुरुआत के कोई खास उम्र नहीं होती। अंबेडकर के सपने को सच करने के लिए भारत के साथ मिलकर करेंगे काम, संयुक्त राष्ट्र। भीमराव अंबेडकर को हाशिए पर जी रहे लोगों के लिए एक वैश्विक प्रतीक बताते हुए संयुक्त राष्ट्र की एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारत के इस समाज सुधारक की सशक्तिकरण और सामाजिक एवं आर्थिक समानता वाली सोच को सच करने की दिशा में ये वैश्विक संस्था भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएनडीपी के प्रबंधक हेलेन क्लार्क ने भारत के स्थायी मिशन द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह में संयुक्त राष्ट्र में इस महत्वपूर्ण वर्षगांठ को मनाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से भारत को बधाई दी। ये पहली बार है जब अंबेडकर जयंती के अवसर पर भारत ने इस वैश्विक संस्था में एक विशेष समारोह का आयोजन किया। मोदी ने कहा, बंदरगाह विकास के लिए 1,00,000 करोड़ के निवेश की जरूरत। देश के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्री तट को आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाने की जरूरत पर बल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बंदरगाह विकास के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश जुटाना चाहता है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को इस कार्य में निवेश का न्योता दिया। मोदी ने सामुद्रिक भारत सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत में आने का ये सबसे अच्छा समय है और सामुद्रिक मार्ग से आना और भी अच्छा है। प्रधानमंत्री ने MIS 2016 के उद्घाटन के बाद कहा कि हमारा लक्ष्य 2025 तक अपने बंदरगाहों की क्षमता मौजूदा 140 करोड़ टन से बढ़ाकर 300 करोड़ टन करना है। हम इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाना चाहते हैं। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।